नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में भारत ने दिखाई राजपथ पर अपनी ताकत। जनवरी की सर्दी, रिमझिम बारिश और कोहरे के बीच आज भारत ने अपना 66वां गणतंत्र दिवस पूरी गर्मजोशी से मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में ऐतिहासिक राजपथ पर देश की मजबूत सैन्य क्षमता, विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों, आधुनिक सैन्य उपकरणों, विविध सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के अलावा सरकार की आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशीकरण का प्रदर्शन किया गया। राजपथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले के दोनों ओर मौजूद देश विदेश के सैकड़ों गणमान्य लोगों और लाखों नागरिकों ने देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन को गर्व के साथ देखा। सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई थी, लेकिन इससे लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बराक ओबामा अपनी 20 कार में सवार होकर राजपथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और वहां मौजूद लोगों ने ओबामा दंपति का स्वागत किया। कुछ ही पल बाद परंपरागत अंदाज में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कार उनके अश्व दस्ते की लयबद्ध ताल के बीच राजपथ पर आकर रुकी। परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। इसके बाद सेना के मेजर मुकुंद वरदराजन और नायक नीरज कुमार सिंह को मरणोपरांत शांति काल के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन दोनों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपना जीवन कुर्बान किया था। इसके बाद शानदार परेड का आगाज हुआ, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा ने किया। कोलंबिया की पॉलिना वेगा बनी मिस यूनिवर्स। मिस कोलंबिया पॉलिना वेगा ने मिस यूनिवर्स 2015 का खिताब अपने नाम कर लिया। कोलंबिया की वरान किला की रहने वाली 22 वर्षीय बिजनेस स्टूडेंट एवं मॉडल पॉलिना ने रविवार रात अमेरिका के मियामी में आयोजित मिस यूनिवर्स 2015 की प्रतियोगिता में विश्व की 87 अन्य प्रतिभागियों को पराजित कर यह खिताब हासिल किया। भारत की ओर से प्रतियोगिता में शामिल नयोनिता लोध अंतिम 10 प्रतिभागियों के क्रम में नहीं पहुँच सकी। आसाराम मामले में गवाह के परिवार ने गुजरात पुलिस से मांगी सुरक्षा। आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले के गवाह अखिल गुप्ता के परिवार ने गुजरात पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा से वे संतुष्ट नहीं हैं। गुप्ता की इस महीने के शुरू में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को मुजफ्फरनगर में गुप्ता की पत्नी वर्षा ने बताया कि उसने सूरत में आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल के प्रमुख से संपर्क किया है और अपने जीवन को खतरे के चलते पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी को नहीं पकड़े जाने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की है। विराट को विश्व कप में तीसरे नंबर पर ही उतारें। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एयान चैपल की सलाह। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एयान चैपल ने भारत को स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को विश्व कप में तीसरे नंबर पर उतारने की सलाह दी है, ताकि विरोधी टीमों की शॉर्ट पिच गेंदों की रणनीति को नाकाम साबित किया जा सके। चैपल ने कहा कि भारत का विश्व कप खिताब बचा पाना कठिन लग रहा है। उसे यदि दोबारा खिताब जीतना है तो बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गेंदबाजी औसत रही, लिहाजा उसमें सुधार करना होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.webdunia.com। नमस्कार।